कोरोना के कारण बच्चों के स्कूल बंद हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई या होमवर्क बराबर चल रहा है। रामेश्वर नगरिया नाम के इस शिक्षक की तारीफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके की है। बच्चों का कहना है कि सर उन्हें प्रतिदिन पढ़ाते हैं, समय पर होमवर्क देते हैं और चेक भी करते हैं। स्कूल बंद होने की कमी उन्हें कभी नहीं खली। यहाँ पर मौजूद मजदूर महिला का कहना है कि उसके बच्चों की पढ़ाई लगातार चल रही है, सर के पैरों में दिक्कत है, फिर भी वो एक दिन छोड़कर लगातार आ रहे हैं। दिव्यांग शिक्षक रामेश्वर नगरिया ने बताया कि शासन की योजना हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत 7 जुलाई से प्रतिदिन सुबह बच्चों को पढ़ाने निकल जाते हैं। जहां जगह मिल जाती है वहीं बैठकर पढ़ाने लगते हैं। बच्चों को स्कूल की तरह होमवर्क दिया जाता है और समय पर चेक भी किया जाता है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए रामेश्वर नगरिया जाते हैं। लेकिन इन सब बातों से अलग मंदसौर में एक दिव्यांग शिक्षक ऐसे भी हैं जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाई करवा रहे हैं। रामेश्वर नगरिया नाम के ये दिव्यांग शिक्षक बच्चों के हीरो से कम नहीं है। ये अपने वाहन से प्रतिदिन सुबह शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं और जहां जगह मिलती है वहीं पढ़ाई कराना शुरू कर देते हैं। हाँ, मास्टर पढ़ाने आते, रोज आते, होमवर्क देते हैं और करते, बच्चे बताते, फिर एक दिन छोड़ के आते हैं। हाँ, सीखते हैं, बहुत बच्चे पढ़ाते हैं मैडम और सर दोनों। हमारे तो मतलब 5 बच्चे हैं अभी, एक और दो और अभी आए नहीं आज। हाँ, इधर आते हैं ना, वो रोज़ तो आते पढ़ाने के लिए। तो लॉकडाउन में इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, रुकावट आ रही थी, इस वजह से शासन का निर्णय हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाना जैसे निर्देश आए तो हमने 7 जुलाई से इन बच्चों के घर घर जाके अध्यापन और होमवर्क देना का काम देखना, पुराने काम को चेक करना, नया काम देना, इस तरह से इनको 10 बजे से 1 बजे तक हम इन बच्चों का अध्यापन करते हैं, गृह कार्य देखते हैं और डिजिलैप पे जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के वीडियो अंतर्गत शैक्षणिक सामग्री आती है वो इनको बच्चे से पूछते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं।